अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था ह्यूमन बैलेंस शीट। और ह्यूमन बैलेंस शीट के हवाले से मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, ठीक है जी। तो क्या मैंने सवाल ये किया था कि ह्यूमन इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन एनी कंपनी। किसी भी कंपनी में जो सबसे कीमती कोई एसेट होता है तो दैट इज ह्यूमन। किसी भी कंपनी में सबसे कीमती एसेट ह्यूमन है, तो फिर व्हाई इट इज नॉट द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें दो कॉमर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर दो इसके सेपरेट जो है ना वो पार्ट्स हैं, ठीक है जी। एक ये कहता है कि होना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं होना चाहिए। यानी कि ह्यूमन की जो वैल्यू है हमारे एम्प्लॉइज की, एक पार्ट ये कहता है कि दे शुड बी द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, इनको क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट का हिस्सा होना चाहिए। जबकि दूसरा कहता है कि नहीं, इनको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं दोनों की, दोनों के ऊपर अभी हम बात करेंगे। आर यू रेडी? देखें जी, एक बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ, दोबारा कह दूँ कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू टेक क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव हैंड फ्री, एंड हैंड फ्री के साथ साथ आपके पास होना चाहिए पेन और रजिस्टर। अच्छा, अभी बच्चे कम है यार, वैसे पार्ट टू में तो माशाल्लाह अच्छी खासी आवाम है हमारे पास, बट वी डोंट सी राइट ओवर हियर, आई डोंट नो व्हाई। चलें, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बैलेंस शीट, लेना शुरू करते हैं। ह्यूमन इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट अनफॉर्चुनेटली इट नेवर बिकम द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। Question is why? तो पहला जुमला हमने अपना मुकम्मल किया, ठीक है ना। ये होता है तमहीद बांधना, कि जब भी वैल्यूएबल एसेट्स की बात आती है तो ये कहा जाता है कि ह्यूमन इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, लेकिन जब ये बात आती है कि भाई जितने भी वैल्यूएबल एसेट्स हैं आप उनको कहाँ लिखते हैं, जितने भी वैल्यूएबल एसेट हैं आप उन्हें लिखते हैं बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है ना। इवन पेटेंट्स, गुडविल, वो भी तो नजर नहीं आते, गुडविल पेटेंट्स की भी वैल्यू बैलेंस शीट में हम देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज नो वैल्यू of human which is the most valuable asset but there is no value in the balance sheet, why? तो ये हमने पहले सवाल क्रिएट किया है, इसके जवाब को लिखने के, ठीक है ना। अच्छा, the management experts and financial या फाइनेंस मैनेजर्स आर अगेंस्ट ईच अदर ऑन दिस टॉपिक विद देयर ओन
justifications. The management experts and finance managers are against each other on this topic. With their own justification. The management scientist says that the employees of an organization must be the part of the management scientist says that the employees of an organization must be the part of balance sheet of ये कोई मामूली बहस नहीं है, 10 नंबर का ये सवाल आया हुआ है जिस पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सवाल क्या था कि भाई ये जो है हमारी बैलेंस शीट उसके अंदर ह्यूमन की वैल्यू क्यों नहीं, ये बकायदा ह्यूमन बैलेंस शीट के हवाले से 10 नंबर का सवाल हमारे एग्जाम्स में आया हुआ। इवन CA तक के जो पेपर होते हैं उसमें भी ये सवाल काबिले जिक्र रहा है, तो इसको हल्का नहीं लेना है हमने। ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि ऐसा नहीं स्पॉट लाइट वीडियो स्पॉट लाइट वीडियो क्या होता है, कैंसर स्पॉट लाइट वीडियो एडिट प्रोफाइल पिक्चर शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स हाइड देन वीडियो चले। द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स एंड फाइनेंस मैनेजर्स आर अगेंस्ट ईच अदर ऑन दिस टॉपिक विद देयर ओन जस्टिफिकेशन। द मैनेजमेंट साइंटिस्ट सेज दैट द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। They further explain how the employees can be the part of balance sheet, how the employees can be the part of balance sheet. It can be explained by the following points. It can be explained by the following points. अच्छा जी, तो मैनेजमेंट जो साइंटिस्ट है हमारे, क्या इज यू नो कॉमर्स जो है उसको मैनेजमेंट साइंस ही कहते हैं, क्योंकि इसमें ये सिखाया जाता है कि काम किस तरीके से करना है, मतलब काम किस तरीके से होगा और लोगों से हाउ टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम लेने का तरीका क्या है, ये भी इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। तो मैनेजमेंट साइंटिस्ट कहते हैं कि यार ये इंसान से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, एसेट नहीं है, और अगर इंसान सही नहीं होता है तो इदारा भी कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। तो इंसान की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके उसको प्रमोट किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए,
उसको जो है तसल्लियां दी जाए, और जब उसको लगेगा कि मेरी दायरे में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जब उसको ये फील होगा तो वो डेफिनेटली जो है वो तरक्की भी करेगा इदारा, और वो एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली दे विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है ना? ओके, अब देखते हैं। एवरी एम्प्लॉय हैज अ पर्टिकुलर सैलरी and perks. As per management scientist, it should be multiplied by 12 months and the total amount may be written as the worth of employee in balance sheet. तो पहला तरीका क्या लिखा हमने कि भाई ये जो बंदा होता है, हर बंदे की सैलरी पर्स जो भी अलाउंस होते हैं वो एक खास अमाउंट होता है, तो वो खास अमाउंट जो उसे दिया जाता है, वो खास अमाउंट जो उसे दिया जाता है उसे अगर लिख लिया जाए, ठीक है जी, अगर उसे लिख लिया जाए, और जब वो अमाउंट लिख लिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई किया जाए 12 से, और जो अमाउंट आया उसको आप लिख दें बैलेंस शीट के अंदर। तो ये एक तरीका है जो लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब उन्होंने दूसरा तरीका बताया, एवरी एम्प्लॉय नीड्स ट्रेनिंग बिफोर गेटिंग एनी responsible position. Every employee needs training before getting any responsible position. The training is an investment on the employee by the organization, comma. That amount spent on training may be written as a worth of every employee on asset side of the balance sheet. एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सही है भाई। तो अभी उन्होंने दो तरीके बता दिए। पहला तरीका उन्होंने क्या बताया कि भाई हर बंदे की सैलरी है पर उनको मल्टीप्लाई कर दे 12 से, हर महीने का जो है दिया उनको पूरे 12 महीने से 12 से मल्टीप्लाई कर दे। जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक खास अमाउंट बन जाएगा, जो अमाउंट बनेगा उसको हम एसेट साइड पे रख देते हैं। ये एक तरीका है। फिर उन्होंने दूसरा तरीका बताया। तो दूसरा तरीका उन्होंने क्या बताया, दूसरे तरीके में उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी बंदा जब जिसको आप जॉब पर रख रहे हैं, जैसे ही आप किसी को जॉब पर रखते हैं तो डायरेक्ट तो वो कोई फन्ने फान नहीं होता ना,
डायरेक्ट तो किसी काम का भी नहीं होता वो कहते हैं उसको गाते गाते गवैया बनना, जैसे जैसे उसे वक्त गुजरता जाएगा वो किसी काबिल होता जाएगा। एज पास द टाइम पास है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो किसी काबिल होता जाएगा। ठीक है जी, तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और वो किसी काबिल होता जा रहा है, देन ही विल बी इन द पोजिशन, फिर वो एक पोजिशन में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ बात करके मुझे मुनीब नजर आए हैं। मुनीब, आप मुझसे क्लास के बाद आ रहा है, मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है बेटा। ओके सर, ओके। हाँ अच्छा जी, तो एम्प्लॉय जो है नीड्स ट्रेनिंग, जैसे कि बिफोर गेटिंग एनी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन। अब ट्रेनिंग में क्या होगा, ट्रेनिंग में खर्चा जितना हुआ है सारा वो खर्चे को जमा किया जाए। और अब ऐसा नहीं है कि जब एक बंदे को नया एम्प्लॉय रख रहे होते हैं जब भी उसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, नहीं, एज अ टाइम पास, जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसको बार 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 नई से नई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताऊं, मेरी पिछली ट्रेनिंग कब हुई थी, 6 महीने पहले मेरी पिछली ट्रेनिंग हुई होगी, और शायद हर साल मेरी कोई ना कोई नई ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है ना, हर साल कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया कोई जो है ना वो कुछ सिखाया जाता है इदारे की तरफ से। और मतलब ऐसा भी हुआ कि इदारे ने दूर दराज और जो है दुबई तक इदारे ने भेजा, जाओ भाई वहां जाके सीख कराओ, और दूसरे मुल्कों में भी भेजा, सिंगापुर और इस तरह की जगहों पर। तो और इस्लामाबाद तो मतलब उनके अपना हेड ऑफिस ही, तो वहां तो पैसे भी, तो मतलब तो बताने का कि इतना खर्चा होता है ना। आप जैसे अगर हमें भेजा गया तुर्की, और तुर्की का आने जाने का टिकट, वहाँ का होटल का खर्चा, वहाँ पे खाने पीने का खर्चा, ठीक है ना। अब अगर हम बाहर जाते, 3,000 रुपये रोज हमें मिलेंगे जितने दिन की हमें बाहर रखा जाएगा, तो ये सारे खर्चे भी तो ये करते हैं ना। एक्सक्यूज मी, आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम शाजी कॉलेजिएट। हेलो, वालेकुम असलाम, मिस कॉल आई है, कॉल्स बहुत आने लगी यार मेरे पास, क्या करूं, नंबर चेंज कर लूं? अच्छा, एवरी एम्प्लॉय नीड्स ट्रेनिंग की बात हो गई। जितना भी अब मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा उसकी ट्रेनिंग की वर्थ बढ़ेगी, बार बार ट्रेनिंग होगी तो वो उसकी वैल्यू भी जो बैलेंस शीट में वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये किसने कहा, ये मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा, भाई ये दो तरीके दे रहे हैं, कोई सा भी जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप लोगों की वैल्यू शामिल कर लें। अच्छा जी, अब बारी किसकी आ गई, आप आ गए फाइनेंशियल्स वालों की बारी। ठीक है ना, आप देखें मेरा ताल्लुक भी कॉमर्स है, लेकिन मैं किस सेक्टर में, मैनेजमेंट साइड पर हूँ, मैं इस सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन साइड में। मैं जब बीकॉम में था तो मेरे कभी भी जो सबसे कम नंबर मेरे अकाउंटिंग में आया वो 88 मार्क्स आया, बीकॉम पार्ट वन की अकाउंटिंग में मेरे 88 मार्क्स आए थे, वो कम थे। बीकॉम पार्ट टू में 94 आया, फिर उससे पहले पार्ट फर्स्ट ईयर में 96 आए थे, फर्स्ट और सेकंड ईयर में शायद 97 आए थे मेरे ख्याल से, ऐसी कुछ 90s में मेरे हमेशा मार्क्स आए। तो मैं अकाउंटिंग में बड़ा इतना चीता अपने आप को समझता था, ठीक है ना, और थ्योरी में मैं इतनी तवज्जो नहीं देता था, थ्योरी में थोड़े कम नंबर आते थे, थ्योरी में भी बुरे नहीं आते थे लेकिन कंपेरेटिवली कम आते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैंने सबसे पूछा भाई एम बी ए की वैल्यू ज्यादा है एम कॉम की वैल्यू ज्यादा है, हर किसी ने कहा है एम कॉम की वैल्यू कम है एम बी ए की वैल्यू ज्यादा है, हमने एम बी ए ले लिया। अच्छा, हम समझे एम बी ए में भी अकाउंटिंग होगी, हम सारे झंडे अपने वहां पे भी गाड़ देंगे। अब पता चला एम बी ए में जो है थ्योरी 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 थ्योरी, एम बी ए पूरी थ्योरी है। अब मेरे तो दिमाग के पर चढ़ गए, ये क्या, ये थ्योरी पढ़ने की वैल्यू ज्यादा, और वो एम कॉम अगर मैं करता हूँ सारी अकाउंटिंग अकाउंटिंग पढ़ता हूँ उसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू ज्यादा, उसकी वैल्यू कम, इसका मतलब मेरा तो दिमाग के तो पर से उड़ गया यार, ये क्या, यानी थ्योरी पढ़ने की वैल्यू ज्यादा है और अकाउंटिंग अगर मैं एम कॉम में पढ़ता हूँ तो उसकी वैल्यू कम है, ऐसा क्यों? फिर हमारी एक एक सेमेस्टर गुजरा, दूसरा, फिर मुझे अंदाजा हुआ ये जो अकाउंटेंट बनते हैं, जो कॉमर्स के चीते होते हैं, अकाउंटिंग के जो चीते होते हैं, दे विल बी अकाउंटेंट इन द फ्यूचर। वो क्या बनेंगे, किसी भी इदारे का अकाउंटेंट बन जाएगा। अकाउंटेंट की सैलरी क्या लगती है, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, ठीक है, ये बहुत पीक पे जाके। अच्छा, फिर मैंने देखा ये मैनेजमेंट और ये थ्योरी जो पढ़ते हैं ये क्या बनते हैं, ये जाके कहीं ना कहीं असिस्टेंट मैनेजर लगते हैं, फिर ये मैनेजर लगते हैं, और फिर ये वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इस तरह की बड़ी बड़ी सीट के लिए इंतजार कर रही होती है, इनकी सैलरीज भी ज्यादा अच्छी होती है, क्यों, वाई? तो एक फिर उस्ताद ने बताया कि क्योंकि इनको फैसले करने होते हैं, अकाउंटेंट फैसला नहीं करेगा, अकाउंटेंट का काम है बैलेंस शीट टैली करना, आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजर का काम है फैसले करना, फैसले करने वाले की सैलरी ज्यादा होती है, बैलेंस शीट टैली करने वाले की सैलरी कम होती है, क्यों, क्योंकि जो बैलेंस शीट टैली कर रहा है रोजाना वही क्रेडिट, रोजाना वही डेबिट, रोजाना वही क्रेडिट, रोजाना वही डेबिट, जब वो यूज टू हो जाएगा, सुबह से शाम तक यूज टू हो जाएगा, तो उसके फिंगर टिप्स वो चीजें आ जाएंगी, उसकी जिंदगी बहुत आसान होगी, वो कुएं का मेंढक बन के रह जाएगा, बार बार वही काम करेगा और वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा उसके लिए।
लेकिन व्हाट अबाउट मैनेजमेंट, हर बार नए लोग मिलेंगे, हर बार नए मसले होंगे, हर बार नए मसलों को देखकर आपको नया फैसला करना होगा, माहौल चेंज मिलता है, हालात चेंज मिलते हैं, लोग चेंज मिलते हैं, वाकियात चेंज मिलते हैं। तो मैनेजमेंट का काम थ्योरी पढ़ने के बाद एक नजरियाती काम होता है जो कि थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये बात हमारे एमबीए में समझ में आई, उसके बाद हमने थ्योरी पर तवज्जो दी। तो खैर से बीकॉम तक तो अकाउंटिंग में चीते थे, उसके बाद फिर ये था कि मैं अकाउंटिंग पढ़ाता भी रहा हूँ, बीकॉम पार्ट टू की मैंने अकाउंटिंग पढ़ाई है। और रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक बच्चे की तस्वीर शेयर की थी, वो दो स्कूल्स का मालिक था, 2011 में मैंने उसको बीकॉम पार्ट टू की अकाउंटिंग पढ़ाई थी, आज से 9 साल पहले, और उसका उसी साल बीकॉम हो गया था, 80s में उसके नंबर आए थे शायद अकाउंटिंग में, जैसा मुझे याद है, क्योंकि वो उस क्लास का एक लौता लड़का था, वो उसकी डेथ हुई है, उसके दो स्कूल उसने खोल लिए थे, बड़ा अच्छा उसका चल रहा था सेटअप, और हालात बहाल कुछ हुआ, उसके दिमाग की रख पड़ गई पिछले हफ्ते और उसकी डेथ हो गई, उसका नाम था दिलावर हुसैन। तो वो मेरा अकाउंटिंग का एक स्टूडेंट था, मैंने बीकॉम पार्ट टू की जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ाई, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अकाउंटिंग छोड़ दी, एमबीए जब आया, एमबीए में अकाउंटिंग पढ़ानी है, थ्योरी पढ़ानी है, थ्योरी का मजा अलग है। खैर अब देखें, ये तो बात थी, दोनों पॉइंट जो थे किसने कहे मैंने आपको बता दिया किसने कहे। अब हम बात करेंगे, अभी फाइनेंशियल आएंगे, फाइनेंस ऑफिसर जो है वो क्या कहते हैं, द फाइनेंस एक्सपर्ट्स रिप्लाइड अबाउट, ये थर्ड पॉइंट है, नहीं ये थर्ड पॉइंट नहीं है, फिर दो पॉइंट से अब हम नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं, उसके बाद हम पॉइंट नंबर वन दोबारा पॉइंट नंबर टू शुरू करेंगे। द फाइनेंस एक्सपर्ट्स रिप्लाइड अबाउट दीज अबव नोटेड टू पॉइंट्स एज फॉलोज, हम लिख रहे हैं कि ये जो हमने अबव नोटेड लिखा है दो पॉइंट्स, इन्होंने मैनेजमेंट के जो लोग थे इन्होंने रेज किए कि यार इस तरीके से ये शामिल होना चाहिए, तो अब हम ये लिखेंगे कि ये क्यों नहीं होना चाहिए और इसके हवाले से इन्होंने क्या लिखा, ठीक है जी। पहला पॉइंट एक मिनट अगर पढ़ लूं, उसके बाद डायरी थी एट बाय अ पर्टिकुलर सेलिब्रेट्स, ओके, एज पर फाइनेंस एक्सपर्ट्स द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय The salary of employees can never represent their worth. As per finance experts, the salary of employees can never represent their worth. Comma. The salary. May be deducted at 1 month and increase in another month. एक महीने में सैलरी कम कर दी, दूसरे महीने बढ़ा दी, it may be increasing due to seniority only, but the learning level of employee may be zero or negative. यानी हम लिखा फाइनेंस एक्सपर्ट्स ने रिप्लाई किया, सैलरी जो होती है किसी एम्प्लॉय की
किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी होती वो उसकी कभी भी वर्थ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। सैलरी जो होती है किसी भी एम्प्लॉय की, द सैलरी कैन नेवर रिप्रेजेंट द वर्थ ऑफ एम्प्लॉय, नेवर एवर। ठीक है जी, तो पहली तो बात ये हो गई कि सैलरी जो है वो किसी भी एम्प्लॉय की वर्थ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। उसने क्या, उसकी दलील उसने दी क्या, उसने कहा भाई छुट्टी करी तो एबसेंट हो गया तो सैलरी कटेगी, ठीक है ना। इसके अलावा कोई परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है, टारगेट जैसे वो पूरा नहीं करता, परफॉर्मेंस कम हुई सैलरी, टारगेट पूरा नहीं हुआ, हम फिर उसकी सैलरी काट लेंगे, ठीक है। अच्छा वो अच्छा काम करते तो अचानक से सैलरी बढ़ भी सकती है। इसके अलावा उसने ये बात कही, बड़ी कीमती बात जो उसने कही वो ये कही कि ऐसा भी तो होता है ना कि किसी इदारे, बहुत सारे इदारों में ऐसा होता है कि आपको काम भले से टके का ना आता हो, क्योंकि आप बार बार वक्त गुजरने के साथ साथ आप सीनियर होते जा रहे हैं, आपकी सीनियोरिटी बढ़ती जा रही है, इस बुनियाद पर भी आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आपको काम कुछ भी नहीं आता होगा लेकिन फिर भी आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी, क्यों, उसकी वजह मैंने आपको क्या बताई, उसकी वजह जो है आपके सीनियर होने से सरकारी इदारे में होता। तो उसने कहा तो हो सकता है लर्निंग कुछ भी नहीं हो रही हो, उसका एक्चुअल लेवल उसका कुछ भी नहीं पढ़ रहा हो, कोई लर्निंग नहीं हो, इवन नेगेटिव भी हो सकती है लर्निंग, यानी कि जैसे जैसे आप किसी इदारे में पुराने होते रहते हैं तो आप और ज्यादा ढीठ होते रहते हैं, आप काम करना चाहते ही नहीं आप, तो देयर इज पॉसिबिलिटी, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। तो ये वजह उसने बताई, इस वजह से नाम लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू लिखते हैं। दूसरे पॉइंट में उसने कहा ट्रेनिंग, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय कैन नेवर रिप्रेजेंट, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय कैन नेवर रिप्रेजेंट इट्स वर्थ या देयर वर्थ। सॉरी, कैन नेवर रिप्रेजेंट देयर वर्थ, फुल स्टॉप। ओके आगे लिखते हैं, द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय कैन नेवर रिप्रेजेंट देयर वर्थ बिकॉज, BECAUS, बिकॉज ऑल द एम्प्लॉयज हु आर बीइंग All the employees who are being trained may not perceive learning equally. May not perceive learning equally. यानी कि भाई मिसाल के तौर पर अभी तो खैर कम स्टूडेंट्स हमारी क्लास में, अच्छा कुछ बढ़ गए, तलहा इदरीस भी आ गए हैं और नगीना भी हैं, मुनीब भी हैं, अजमा, फरीहा और फरवा हैं, आसिया, जो आपके स्टूडेंट्स नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं, उनको भी कहें कि भाई आ जाओ क्योंकि वक्त गुजर रहा है और आपके एग्जाम के हवाले से अचानक से खबर आने वाली है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी काम कर रही है और आपने देखा ओवरसीज का कल वाला रिजल्ट आया बीकॉम का, ओवरसीज वालों का रिजल्ट दे दिया उन्होंने, और सुनने में आया अचानक से किसी भी दिन आपका भी रिजल्ट, कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि अब काम करें, बैक ऑफिस पे बैठ के काम शुरू हो चुका है यूनिवर्सिटी में और मैदान सजाए जा रहे हैं बच्चों के पेपर लेने के लिए। सर एक बात पूछनी थी, तो जो हमारे पेपर्स होंगे ऑनलाइन होंगे या तो यूनिवर्सिटी में ही होंगे? अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ,
आपके पेपर वही तो उसी तरीके से होंगे, क्योंकि कुछ मैदानों की सफाई जारी है यूनिवर्सिटी के अंदर और एग्जामिनेशन हॉल्स बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं जहाँ पर 6-6 फीट के फासले से एक बच्चे को बैठाया जाएगा, ठीक है ना। एंट्री एग्जिट रखे जाएंगे, पहले मरहले में 1100-1200 बच्चों का पेपर होगा, वो पेपर हो जाएंगे, फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। ओके सर, मतलब सर पेपर तो मस्ट है ना, लेकिन पेपर तो होने हैं, नहीं होंगे, अब यही तो प्रॉब्लम है, सर नहीं पा रहे ना इस वजह से। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए HEC ने क्लियर कहा है कि बैचलर लेवल पर इंटरनेशनली दुनिया में यह रूल है पूरी दुनिया के अंदर कि बैचलर लेवल पे प्रमोट ही का ऑप्शन ही नहीं है ना, इंटर तक होता है, बैचलर पे होता ही नहीं है, मतलब बैचलर लेवल पे कभी भी नहीं हो सकता, एवरेज मार्किंग भी नहीं हो सकती है। बल्कि कल के अखबार में मैंने पढ़ा बीकॉम के हवाले से कि जो प्राइवेट बीकॉम प्राइवेट के जो बच्चे थे जिनके 2 पेपर रह गए थे, या टोटल ओवरऑल बीकॉम प्राइवेट के 5 पेपर नहीं हुए, उनके पेपर्स के बारे में भी कहा गया कि उनकी एवरेज मार्किंग भी नहीं हो सकती, नहीं होगी उनकी एवरेज मार्किंग, उनके वो पेपर भी लिए जाएंगे। ये कल की मैं आपको खबर बता रहा हूँ। हाँ, कोई सवाल था किसी का? और सर मुझे पूछना था कि अपने टाइम पे जैसे दिसंबर में पेपर होंगे? देखें, एज पर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट उनको मैक्सिमम जो है वो जनवरी तक पेपर लेने होते हैं बीकॉम के, ये कोर्ट का ऑर्डर है उनको, एक केस हो चुका है इसके ऊपर पहले ही, तो वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। देखें जी, बहुत अगर डिले भी होगा ना, चलो डिले, लेट्स पहले तो बात ये बीइंग एज अ गुड स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, बीइंग एज अ गुड स्टूडेंट आपको ये करना चाहिए कि आप बिल्कुल अपने जहन में रखें कि पेपर होंगे और वक्त पर होंगे, ये बात अपने जहन में संभालें बिठा लें, और आप दिसंबर के हिसाब से तैयारी करें ताकि अगर डिले होता है तो आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा, आप ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे, और अगर डिले नहीं होता है तो आपकी तैयारी मुकम्मल होगी, आप दोनों तरह से सिक्योर होंगे, ठीक है जी। अब बात करें अगर उन स्टूडेंट्स की जो बोले यार छोड़ो अभी पेपर होंगे ही नहीं, अब अचानक से जिस दिन पेपर की तारीख आएगी तो वो सारे अपने रेलिवेंट टीचर्स को मैसेजेस करेंगे, पूछेंगे, कॉल करेंगे, और ज़ाहिर है फिर स्टूडेंट तो कह रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट तो कह रहे थे हम इस साल देंगे नहीं, जैसे अगले साल फॉर्म वगैरह भर के, तो फिर उसे अगले साल हम जब होंगे पेपर तो जब देंगे, जब तो टाइम ही निकल गया। हाँ नहीं, देखिए टाइम तो नहीं निकला, और एग्जामिनेशन के जो फॉर्म्स होते हैं वो एक एक एग्जाम से 1 हफ्ते भी पहले भरे जा सकते हैं। अच्छा, ये लड़कियों के पास वो तो कह रहे थे सर, अब तो पढ़ाई का टाइम ही निकल गया, अब तो इतने महीने निकल गए, अब कैसे पढ़े, तो अगले साल पढ़ेंगे। देखें, देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, द वन विद मैक्सिमम एक्सक्यूजेस एंड द अनदर इज द मैक्सिमम एफर्ट्स। सो यू नीड टू डिसाइड वेयर यू आर, वेदर यू आर विद मैक्सिमम एक्सक्यूजेस और विद मैक्सिमम एफर्ट्स, ठीक है ना। तो उर्दू में थोड़ा सा बताऊं कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक ज्यादा मेहनत करने वाले और एक ज्यादा एक्सक्यूज करने वाले, यानी कि रीजन बताने वाले कि यूं नहीं किया, यूं नहीं किया, यूं नहीं किया। अब जैसे आप बता रहे हैं कि जो कुछ बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई टाइम निकल गया, यूं निकल गया, ये वही नाकाम लोग हैं दुनिया में कि जो एफर्ट्स नहीं करते और ये एक्सक्यूजेस हमेशा इनके पास होंगे, क्योंकि यूं हो गया था, मेरी तबियत खराब हो गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, अब्बू की तबियत खराब थी, यूं हो गया था, पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं यूं नहीं कर सका। ये सारे नाकाम लोगों की बातें हैं। कामयाब लोग जो होते हैं, कामयाब लोगों की सबसे पहले निशानी होती है दे नेवर गिव अप, ये कभी भी गिव अप नहीं करते, कभी भी हिम्मत नहीं आते, दे कीप ऑन वर्किंग हार्ड, ये बिल्कुल हर वक्त मेहनत करते रहते हैं। अच्छा, बात ये कि टाइम निकल गया, टाइम तो खैर नहीं निकला, भी जाहिर है कि कुछ वक्त है और इसमें अगर बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारे जाएं तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अब लड़कों की अगर मैं बात करूं, अगर वो लड़के जो ये सोचते हैं कि भाई अगले साल बीकॉम दे देंगे, तो भाई अल्लाह के बंदो, तुम्हारी एज भी तो 1 साल और बढ़ जाएगी, और अगर अच्छे इदारों में 25-26 साल की उम्र से ऊपर में आपकी जॉब ही नहीं होती, अगर आप 25-26 के हो जाते हैं या 24 के हो जाते हैं और फिर आपका सिर्फ बीकॉम होता है, तो दिस अ बिग क्वेश्चन मार्क। आपको मास्टर्स 25 साल की उम्र से पहले पहले 25 से पहले पहले हर हाल में आपने मास्टर्स करना है, ये आपकी मिनिमम लिमिट होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा एज में मास्टर्स करते तो फिर उससे बेहतर है कुछ दही बड़े का ठेला लगा लो, फायदा नहीं है ना, क्योंकि इदारे 26 साल की उम्र के बाद आपकी कोई जॉब ही नहीं लगेगी, तो फिर फायदा मास्टर्स करने का, फायदा बीकॉम करने का। तो आपको 1 साल भी जारी कर सकते हैं, कोई भी जॉब नहीं मिलेगी सर अगर ये जॉब हो जाती है ऊपर। हाँ देखें, जो स्ट्रक्चर्ड बड़े इदारे, मिसाल के तौर पर नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, जो तमाम अच्छी बैंकिंग इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, पार्क ब्रोनाई और ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जो इदारे हैं मालियाती इदारे, जो बेस्ट इदारे कॉमर्स के लोगों के लिए समझे जाते हैं, इनके दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब बचेंगी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, लकी टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल, वो इंडस्ट्री, ये बच जाएंगी, यानी कि बहुत सारे दरवाजे तो बंद हो जाएंगे ना।
तो मैं समझता हूँ कि एक दिन भी जाया नहीं होना चाहिए। एक साल तो बहुत बड़ी, एक साल 365 दिन तो बहुत बड़ी वर्त रखते हैं। एक दिन भी अगर आपका जाया हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि यार ये एक दिन में कैसे बचा सकता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँ, मेरा जो MBA है, मेरा 22 साल की उम्र से पहले मेरा MBA, मैंने MBA वो भी कराची यूनिवर्सिटी से किया, और मैंने 22 साल का मैं नहीं था जब मेरा MBA हो गया था, ठीक है ना। तो उसकी वजह मैं शायद, मेरे वालिदैन भी उसकी बहुत बड़ी वजह है, लेकिन उसके अलावा एक ये रीजन भी है कि मेरा आई नेवर मिस्ड अ सिंगल डे, मैंने कभी भी अपना एक दिन भी जाया नहीं किया। जैसे मेरे इंटर के पेपर खत्म हुए, मैंने फौरन बीकॉम की कोचिंग ले ली, और मैंने उसी 8 महीने बाद मैंने बीकॉम पार्ट 1 के पेपर दे दिए, फिर मैंने बीकॉम पार्ट 2 के पेपर दे दिए, और अल्लाह का करम हुआ, जैसे ही बीकॉम का रिजल्ट आने वाला था मैंने यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर दिया MBA के लिए। तो मैंने देखा कहाँ मेरा एडमिशन हो सकता है। वो बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको पता है रिसर्च के बगैर कोई भी काम नहीं होता। खैर बात बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हम ये आखिरी पैरा जो मैं पढ़ रहा था, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉई कैन नेवर रिप्रेजेंट देयर वर्थ बिकॉज ऑल द एम्प्लॉईज हु आर बीइंग ट्रेन्ड मे नॉट बी परसीव लर्निंग इक्वली। जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या सब मेरे जो पढ़ रहे हैं क्या सबके नंबर बराबर आएंगे? सबके नंबर 40, 50 या 100 आएंगे? सबके नंबर नहीं, सबके नंबर अलग अलग आएंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका सेम है, सबके सब मेरी आवाज बराबर सुन रहे हैं, लेकिन जो सबका रिजल्ट आएगा डेट विल बी डिफरेंट। वाई डेट विल बी डिफरेंट? वो इसलिए मुख्तलिफ होगा क्योंकि आप परसीव अलग अलग कर रहे हैं। तो यही उसने लिखा लर्निंग में कि परसीव एम्प्लॉयज अलग अलग करते हैं। बस ये क्लास खत्म हो रही है, दोबारा इसी आईडी इसी पासवर्ड से आ जाए आप लोग, सुन लिया आप लोगों ने दोबारा फॉरन विदाउट एनी गैप इसी आईडी इसी पासवर्ड से दोबारा लॉग इन करेंगे, आप दोबारा आ जाएंगे, ठीक है।